बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में आती हैं। जी हाँ, आज हम आज की इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं उसी एक्ट्रेस की जिनका नाम है रवीना टंडन। उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। रवीना टंडन ने अभिनेता सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से अपने करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में रवीना टंडन ने अपने बेहद पुराने दोस्त सलमान खान के साथ इतने सालों के रिश्ते के बारे में खुलासा किया है। रवीना ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि वह अभिनेता सलमान खान को बेहद पसंद किया करती थी, क्योंकि वह पहले अभिनेता थे जिसके साथ रवीना टंडन ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म रवीना टंडन की सलमान खान के साथ ही थी। रवीना ने कहा कि मेरी और सलमान की दोस्ती काफी गहरी है। हाल ही में जब रवीना ने सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया था, इसी दौरान रवीना ने सलमान के साथ अपने इक्वेशन के बारे में बात की है। इस इंटरव्यू के दौरान रवीना ने कहा कि उनका पहला हीरो सलमान खान थे जो हमेशा उनके दिल में रहेंगे। जब सलमान खान के अतीत के बारे में बात आई तो रवीना ने कहा कि भले ही सलमान से गलती हुई होगी, लेकिन सलमान ने अपनी हर गलती को सुधारा है। वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत ही साफ है। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सी लोगों की मदद की है। वह हर एक काम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए अच्छा है। आपको बता दें कि रवीना टंडन ने कैटरीना कैफ के नए सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी की रिमिक्स की भी तारीफ की। बता दें कि यह फिल्म मोहरा का गाना था, जिसे दोबारा नए वर्जन के साथ बनाया गया। इस गाने में उनके साथ दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी हैं। इसी के साथ ही रवीना टंडन ने एक बड़ा बयान किया है कि वो आज तक भी सलमान खान के दिल में उनकी वही जगह है जो पहले हुआ करती थी। यानी कि आज भी रवीना टंडन सलमान खान को पसंद किया करती है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।